वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है एक नन्हे छोटे से मेहमान के साथ। तो ये देखिए, मैं गई थी एक जन के घर और देखिए उनका प्यारा सा बाबू, और इसी बाबू से मिलने के लिए मैं गई थी इसको खिलाने के लिए। तो आफ्टरनून में हम लोग पूरे दोपहर वहीं पर थे और बाबू को हम लोग खिलाए, बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद में घर पे आने के बाद में मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, बट मैंने जो भी किया है थोड़े बहुत ही व्लॉग मतलब अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पूरी दोपहर से खिलाते रह गई। और देखिए कितना प्यारा हंसता है, और इसके साथ में बहुत इंजॉय किया। आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये बेबी है कि बाबा है, ये बॉय है कि ये गर्ल है, आप लोग बताना। इसको देख के मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन है, बेबी है या बाबा। उसके बाद मैं खिलाने उलाने के बाद शाम को आ गई थी अपने घर, और मेरे हस्बैंड भी जल्दी ही आ गए थे, तो फटाफट डिनर बनाने चल गई मैं। और रोज़ दाल सब्जी खा खा के बोर हो गई थी, तो आज बन रही है मसूर की दाल, मसूर का तड़का, मतलब दाल मेरी पक गई है और तड़का मुझे लगाना है। तो ये जो मैंने हैंड चॉपर लाया है ये बहुत ही अच्छा है, एक वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो मुझे आप लोगों ने बताया था इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी है, और ये जो धागे वाला होता है ना, वो धागे वाला टूट जाता है। और बर्तन वर्तन मुझे है बहुत सारा धुलने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धुलूँगी, काम निपटाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे देखिए ये चॉप हो गया, और इतना ईजिली कितना अच्छा चॉप हो गया ना इसके अंदर, एकदम बारीक बारीक प्याज हो गया, देखिए बहुत अच्छा तड़का लग जाता है। तो मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ, सिंपल से वही प्याज टमाटर लहसुन ये सब डाल के बहुत अच्छे से मैं तड़का लगाऊँगी मसूर की दाल। तो मैं कभी कभी ना मैं मसूर की दाल को भिगा के बनाती हूँ ना, तो वो बॉईल नहीं करना पड़ता मुझे, डायरेक्टली मैं कुकर में तड़का तैयार करके और दाल को डाल देती हूँ। बट आज मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ ना, तो मैंने दाल को पहले बॉईल किया है, उसके बाद मैंने तड़का अलग से तैयार किया है। ऐसे बनाने में ना स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कुकर में डायरेक्टली तड़का लगा के और पकाओ ना तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बना रही थी, आज मसूर की दाल डिनर बन रहा है मेरा। और फ्रेंड आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे एक आध कमेंट ऐसे आया कि सोनिया जी आप प्लीज़ डिसअपॉइंट मत हो जाइए, आपके व्यू थोड़े से डाउन हो चुके हैं कहीं का, मतलब आप परेशान मत होइए। तो मैं जी कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, हाँ दिल थोड़ा सा दुखता है क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं कि एक यूट्यूब की लाइफ जो होती है ना, देखिए घर को मैनेज करना, बच्चों के साथ हस्बैंड हैं, परिवार है, और घर का पूरा काम होता है, फिर वीडियो शूट करना होता है, फिर वीडियो एडिटिंग करना होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। और उसके बाद करने के बाद अगर ना मतलब अच्छे से व्यू अच्छा नहीं मिलता ना, मतलब आप पूरा 100% करते हो उसके बाद में आपको पूरा नहीं मिलता ना उसका मतलब फ़ायदा, तो फिर बहुत दिल दुखता है। तो होता है ऐसा, तो कोई कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, देखते हैं मेहनत कब रंग लाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी दाल को मैंने देखिए तड़का लगा के फिर से कुकर में एक सीटी लगाने के लिए रख दिया, और मेरे हस्बैंड आ गए थे, और हस्बैंड आ गए तो यहाँ पे देखिए उन्होंने, मैं भी गई थी वहाँ से आई थी, तो दोपहर को शाम को मार्केट में देखिए ये ब्लैक वाले झोले में मैं लेके आ गई थी, आम ले आई थी, टमाटर लाई थी, और थोड़े से हरा मसाला वगैरह ये सब थोड़े बहुत सामान, और ये वाले झोले में मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। तो मेरे हस्बैंड का देखिए वो हार फूल भगवान के लिए, मतलब वो जो पूजा पाठ के लिए होते हैं ना, तो वो सब, और प्याज, उन्होंने भी आम लेके आ गए, वो 2 किलो लाए, मैं 1 किलो ले आई थी, तो बस सभी को उनका भी सामान और मेरा जो ले आया था मैंने वो सब भी रखना था, मैं लाके ऐसी रख दी थी। अब मैंने सोचा पहले डिनर बना लेती उसके बाद, तो वहाँ पे मैंने दाल और राइस चढ़ा रखे हैं, आटा भी मैंने लगा दिया है, रोटियाँ गरम गरम बनाऊँगी। हस्बैंड जी आ गए हैं, वो नहाने के लिए गए हैं, फटाफट उनको अभी डिनर रेडी करके देना है। और यहाँ आम मैं पहले हटा देती हूँ, नहीं तो फिर गर्मी है ना, गर्मी से आम ना मतलब उस पर सफ़ेद सफ़ेद जैसे रुई जैसे बैठ जाते, और मैं ना आम को सूंघ रही थी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, लेकिन मुझे इतना ऐसे पसंद नहीं है खाना आम की, तो बहुत सभी लोग चाहत इतना करते हैं, आम को इतना पसंद करते हैं, बट मैं थोड़ी सी अलग हूँ, मेरा अलग ही मानना है। सो यहाँ पे सारा सामान जो भी है तो उसे सब अरेंजमेंट करके रख देती हूँ,
सामान खरीदना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसे सही से रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस गर्मी में तो इंसान मतलब क्या हो जा रहा है पता नहीं, और सामान तो इतने जल्दी मतलब वो हो जाएगा, इसीलिए उसे मैं सब अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। और फिर मैं फटाफट बनाती हूँ रोटियाँ, मेरे दाल चावल भी हो गए थे और यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी। और आज देखिए मैं रोटी ना अलग तरीके से बना रही हूँ, जब मुझे ना मतलब गिन के 6-7 रोटी बनानी होती है ना, तो आजकल मेरे घर में इतनी रोटी बनी रही है, तो एक आख रोटी हम लोग खाते हैं, हस्बैंड 2 रोटी खाते हैं, तो बताइए आप लोग, हम लोग 4 जन गिन के हैं, सासू माँ यहाँ नहीं है, मेरी जेठानी के घर पे हैं। तो सोचिए हम मेरे को जब इतनी रोटी बनाई रहती है ना, तो मैं तावे पे रोटी फुला लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक आख कमेंट ऐसे भी आए थे कि आप ना गैस पे रोटी मत फुलाया कीजिए, जो हाँ मुझे भी पता है उसके बारे में, क्योंकि गैस वाली रोटी अच्छी नहीं होती है, अगर आप तावे पे फुलाते हैं ना तो वो रोटी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो मैं जब थोड़ी रोटी होती है ना तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, और जब ज़्यादा रोटी बनानी होती है ना तो फिर मैं गैस पे ही फुला लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दाल एकदम तैयार हो गया था, लास्ट में उसे धनिया फेंक के लगाना है मुझे। एक शॉर्ट्स में आते हैं एक जन का वीडियो, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनका कुकिंग का ही चैनल है, तो उनका ही वीडियो देखती हूँ कि लास्ट में वो धनिया फेंक के फिर मारते हैं, तो वही। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया डाल दिया है और दाल मेरी बहुत अच्छी टेस्टी सी बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से मसूर की दाल बनाओ ना तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ थाली लगा दे रही हूँ अपने हस्बैंड का और उनका डिनर का थाली लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे दाल, और वैसे तो डिनर में दाल रोटी लेते हैं, बट मैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा राइस रख देती हूँ। और आज मैंने, मुझे बहुत लेट हो रहा था ना, मैं वहाँ से ही आई, बाहर जा गई थी, मैं वहाँ से ही आई तो मुझे बहुत देर हो रहा था, तो मैंने सैलेड वगैरह भी कुछ कट नहीं कर पाई, एकदम सिंपल सा। यस, थैंक गॉड भगवान की कृपा से एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि मैं अपने हस्बैंड को जो भी बना के दे देती हूँ ना, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, वो मतलब खाने में कभी भी सब मतलब बहुत जन का ऐसा नाटक होता है ना, बट मेरे हस्बैंड वैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिंग है। उन्हें मालूम है कि मैं दिन भर कितना काम करती हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं, मैं उन्हें जैसा भी खाना बना के दे दूँ ना वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, और वैसे ही मेरी तारीफ़ ही करते हैं कि हाँ तेरा हाथ का भले खाना अच्छा हो या ना हो, वो मेरी तारीफ़ ज़रूर करते हैं। तो मैंने उनकी खाना लगा दी थी, और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मतलब सुबह जो पहन के जाना था कपड़े, मैंने प्रेस नहीं किए थे, तो वही मैं रात को ही प्रेस करके रख दे रही हूँ उनका, जो उन्हें पहन के जाना रहता है, क्योंकि मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या क्या करना है। सो फ्रेंड, आप लोगों को आज का वीडियो जरा से पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पहले वीडियो में स्टार्टिंग से पूछा तो मुझे ज़रूर बताइएगा उसका आंसर। तो उनका कपड़ा वगैरह सेट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे हमारे रूम में ही सोते हैं, तो उनसे अलमारी खुलती नहीं है, और अलमारी के पास ही बच्चे बिछा के सोते हैं, तो फिर तकलीफ़ हो जाती है, खुलती नहीं अलमारी, तो उनका कपड़ा मैं रात को यहीं पे बेडरूम में लगा के रख देती हूँ। और सारे कपड़े प्रेस थे बट यही नहीं था और उनको यही चाहिए था, तो मैंने प्रेस करके यहाँ पे लगा दिया। और आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा मैंने बनाया है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, बाय बाय दोस्तों, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।